हिट एंड रन के नए कानून को लेकर ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और जितने भी बस ड्राइवर है सब पे बहुत ज़्यादा आक्रोश है, और इसी वजह से एक तरह से गाड़ियां नहीं आ पा रही हैं, और ये गाड़ियां ना आने की वजह से जो पेट्रोल को लेकर गाड़ियां होती हैं, जो टैंकर होते हैं, वो भी नहीं आ पा रहे हैं, और इसकी वजह से कानपुर में बहुत बड़ी दिक्कत शुरू हो गई है। यहाँ पर कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल ख़त्म हो गया है। हम लोग इस समय जिस पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। लोग आ जा रहे हैं और उनको यहाँ पर पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। भैया कितनी दिक्कत हो रही है सर? बहुत समस्या आ रही है सर। हम रूरा से आए हुए हैं लेकिन हमें वापस जाने कोई साधन नहीं है, अब इसी से जाना। अगर तुरंत बोल ख़त्म हो जाएगा अब क्या करें, इसके लिए कहाँ जाएँ, कैसे पहुँचें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखिए पेट्रोल ना होने की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। आप इससे पहले भी गए थे किसी पेट्रोल पंप पे या यहीं पे खाली? सर दो पेट्रोल पंप में हो के आए हैं सर, दोनों जगह पेट्रोल ख़त्म हो गया है सर। यहाँ पे आए, सोचा यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी ख़त्म हो गया सर। गाड़ी में तेल नहीं है, पैदल लेकर जाना पड़ेगा सर जी। बहुत दिक्कत हो रही है यहाँ पे लोगों को पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे क्या कहेंगे, परेशानियों सामना, चारों तरफ नाच रहे हैं खाली पेट्रोल के लिए, चारों तरफ देख के आ रहे हैं, भीड़ है तो ज़्यादा ज़्यादा या फिर ख़त्म हो गया है, ये सब पर समस्याएं हैं। अभी तक तो कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन यहां के ऐसे कुछ पेट्रोल पंप है जैसे जहां हम लोग खड़े हुए हैं, यहां पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ भैया काफ़ी दिक्कतों से यहां है, यहां भी ख़त्म है। पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ भैया, दिया नहीं जा रहा, इतनी भीड़ के मारे दिया नहीं जा रहा। पेट्रोल पंप पेट्रोल है, पेट्रोल मगर दिया नहीं जा रहा। ये कैसे पता कि पेट्रोल है, क्योंकि यहाँ बता रहे कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है पेट्रोल। गारंटी से कहते हैं पेट्रोल है, इस चीज़ में रियल में पेट्रोल है, आप बंद किया जा रहा पेट्रोल, ये तो बात। इनका ये भी कहना है कि पेट्रोल है लेकिन दिया नहीं जा रहा। हालांकि आपको बता दें कि हर पेट्रोल पंप पर एक रिजर्व जो टैंक है वो रखा जाता है, और वो जो इमरजेंसी कोई अगर सेवाएं होती है उनके लिए रखा जाता है, तो उसके लिए वो पेट्रोल बचा हुआ होता है। बहुत दिक्कत हो रही है, परेशानी बहुत हो रही है। समझ लीजिए कहाँ जाना, गए आना, बिल्कुल समस्या का समाधान कुछ है ही नहीं। बाहर निकल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। पेट्रोल होते पर भी लोग नहीं दे रहे हैं, कहाँ कहाँ हम लोग घूम के आ रहे, कहाँ कहाँ टहल कर, कहीं कुछ नहीं मिल रहा पेट्रोल। आप देखिए यहाँ पर लगातार गाड़ियों की लाइन लगती जा रही है, और यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि वो पेट्रोल पंप पर आ तो रहे हैं लेकिन उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर चाहे महिलाएँ हों, चाहे पुरुष हों, चाहे अपने बच्चों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, सब लोग यहाँ पर हैं लेकिन उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी तरह से जो पेट्रोल के टैंकर हैं वो यहाँ पर आएँ, और यहाँ पर आने के बाद ये पेट्रोल जब यहाँ पर मिलना शुरू हो तब वो फिर उनकी गाड़ी आगे चल सके। हालांकि कुछ पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर अभी थोड़ा बहुत पेट्रोल बचा हुआ है, लेकिन उस पर भी हालात ये हैं कि लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भाई साहब बहुत दिक्कत हो रही है। भाई साहब हम डाटमोर से आए काम पर, अभी मालूम है तेल नहीं मिल रहा, मैं तेल डलवा रहा हूँ, मेरी गाड़ी में तेल नहीं है। अब हम ये सोच रहे हैं शाम को कैसे घर पहुँचेंगे, इसलिए बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर लोगों के सामने ये समस्या भी खड़ी हो गई है कि वो घर से निकल तो आए हैं काम के लिए, लेकिन अब चूंकि पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल मिल नहीं पा रहा है, तो वो घर कैसे पहुँचेंगे। हालांकि हम आपको यहाँ से ले चलते हैं दूसरे पेट्रोल पंप पर, जहाँ पर थोड़ा बहुत पेट्रोल तो है लेकिन वहाँ पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। अब हम लोग जीटी रोड के उस पेट्रोल पंप पे आए हैं जहाँ पर पेट्रोल तो मौजूद है लेकिन आप भीड़ का आलम देखिए क्या है यहाँ पर, वो देख सकते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है, लोग काफ़ी समय से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी लगातार पेट्रोल कम होता जा रहा है। लोगों को इस बात से काफ़ी दिक्कत है कि किस तरह से अगर उनको पेट्रोल नहीं मिल पाया तो क्या होगा, कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत दिक्कत हो रही है भैया, हम एक घंटा हो गया पेट्रोल अभी मिला नहीं, अभी हम लोग को समझ लो, हम लोग कोको कोला से आ रहे, कहाँ कहाँ घूमा, कहीं मिल नहीं पा रहा है, जहाँ जाओ वहाँ बंद मिल रही मशीनें, आदमी भाग रहा है छोड़ छोड़ के मशीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और काफ़ी देर से घंटों खड़े रहने के बाद भी उनको पेट्रोल नहीं मिल पा रहा। ये देखिए यहाँ पर कितनी दिक्कत है इस वजह से, और यहाँ और एक तो ये काफ़ी कुछ यहाँ पर बहसबाजी भी हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पर पहले आ रहा है वो ये चाहता है कि किसी तरह से यहाँ पर ये वो पेट्रोल उसको मिल जाए, और लगातार कोशिश भी उसकी तरफ से जारी है, लेकिन यहाँ पर इस बात का भी डर है कि अगर यहाँ पर पेट्रोल ख़त्म हो गया तो फिर वो आगे कैसे जाएंगे। यहाँ पर पेट्रोल पंप मालिक भी हैं। भैया आपका ये पेट्रोल पंप आप ही का है? सदा जी आप ही का पेट्रोल पंप है? कितनी दिक्कत हो रही है टैंकर नहीं आने के वजह से? सर माल सर टाइम से नहीं आ पा रहा है तो दिक्कत हो रही है, और कस्टमर की ये भीड़ काफ़ी उत्तेजित हो गई है इससे, क्योंकि माल सही से समय से नहीं आने से।
तो इनके लिए भी बहुत परेशानी है, माल टाइम से नहीं आएगा तो इनके लिए भी बहुत परेशानी की बात तो है ही है। कुछ पता चल पा रहा है कब तक टैंकर आ पाएंगे? टैंकर सर सुनने में आ रहा है 1-2-3 तक हड़ताल है, 4 से हड़ताल खुल जाएगी सुनने में ये आ रहा है, परसों से हड़ताल खुल जाएगी। तो परसों तक तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। अब ये तो जैसे देखने को मिल रहा है लग तो ऐसा ही रहा कि शायद स्थिति खराब हो जाए परसों तक। ये यहाँ पर पेट्रोल पंप ओनर है जिनका ये कहना है कि पीछे से ही टैंकर नहीं आ पा रहे हैं और इस वजह से ये स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर जैसा कि इन्होंने कहा कि सूचना ऐसी मिल रही है कि शायद 4 तारीख से टैंकर आ पाएंगे और अगर ऐसी स्थिति रही तो फिर अगर 4 तारीख तक इंतजार करना पड़ा तो फिर बहुत स्थिति खराब होने की संभावना है, क्योंकि धीरे धीरे करके हमने आपको दिखाया भी था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म हो चुका है, कुछ ही पेट्रोल पंप ऐसे बचे हुए हैं जहां पर पेट्रोल मौजूद है उसके, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में काफी पैनिक हो रहा है। कितनी दिक्कत हो रही है मैम आपको? हेलो, हम 1 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं, पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। नहीं, बहुत दिक्कत है। आई होप यहाँ पर रेट भी काफी बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर जो है जितने भी लोग आए हुए हैं उनका ये कहना है कि बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, आप हमें पीछे देख लीजिए किस तरह से लोग परेशान भी हो रहे हैं और सबको उम्मीद यह है, सब लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो पीछे के टैंकर हैं वो यहाँ पर आ जाएं ताकि उनको इस चीज़ से राहत मिल पाए और सभी को पेट्रोल सही समय पर मिल पाए। कैमरा मैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।